जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक किया। यह न्यूज पहले ही पता थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के यह बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। और आप लोगों ने देखा होगा कि तरह तरह की बातें हो रही थी, लेकिन एक बहुत बड़ा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिया गया है कि उनका कहना यह है कि जो डबल बेंच का जो आदेश आया है उसका वह पालन करेंगे। यह बहुत बड़ी खबर निकल करके आई है। उनका कहना है कि किसी भी आरक्षित वर्ग के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। यह माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि यह मैटर अब इतना हाईलाइट हो गया था कि खुद बीजेपी के ही बहुत से नेता जो कि आरक्षित वर्ग का सपोर्ट कर रहे थे, ऐसे में यदि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अगर ऐसा निर्णय नहीं आता तो लोग तरह तरह की बातें यही कहते कि माननीय मुख्यमंत्री जी आरक्षित वर्ग के हितैषी नहीं है। तो यह निर्णय जो है उनका बहुत ही सराहनीय है। और अब आशा यही है कि जो आरक्षित वर्ग का जो नुकसान हुआ था जितने सीटों पे, अब उनको उनका अधिकार मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक चीज और कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट से एक ऑब्जर्वेशन लेंगे, अर्थात जो लोग रिप्लेस हो रहे हैं उनके संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देती है कि उनको क्या किया जाए। इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही शिक्षा मित्र वाले मैटर पे भी निर्णय आया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक मतलब एक प्रकार से यह बताया था कि एक आदेश दिया था कि शिक्षा मित्रों को भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो विभाग में रख सकती है। तो आप लोगों ने देखा कि शिक्षा मित्र को भी विभाग में रखा गया और उनका मानदेय भी 3500 से बढ़ा के 10,000 कर दिया गया। तो अब यह देखना तय है कि अब इसमें क्या होता है। लेकिन एक चीज और है कि यदि कहीं से भी पद को सृजित करते हैं, जिस तरह से 85,000 पद खाली है और माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी के द्वारा यह बताया भी गया है कि 85,000 पद खाली है, लेकिन शिक्षा मित्र को जोड़ते हुए अनुपात बराबर कर रहे थे, लेकिन रेगुलर शिक्षक जो है, जो सरकारी शिक्षक हैं, उनके पद 85,000 खाली बता रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि अब कितने पदों को लेकर के अब क्या होता है। तो एक चीज तो रहता है कि अब जो भी चीजें होंगी उसमें नए लोगों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि जितने लोग रिप्लेस होंगे उतना पद सृजित करके उनको समायोजित किया जाएगा, क्योंकि समायोजन होना ही नहीं है। समायोजन के तहत आप लोगों ने देखा होगा शिक्षा मित्र वाले मैटर में भी आप लोगों ने देखा समायोजित हुए थे और फिर वो रिप्लेस हुए। टीटी वाला प्रकरण था, लेकिन जब समायोजन रद्द हुआ तो उसमें टीटी पास शिक्षा मित्रों को भी रिप्लेस कर दिया गया। कारण क्या है कि गलत तरीके से अगर वो का गलत तरीके से अगर कहीं से भी अगर हो रहा है, भले एलिजिबिलिटी है, समझ रहे हैं, तो अगर प्रक्रिया गलत है तो रिप्लेस होंगे। तो और जो भी प्रतियोगी छात्र हैं जिनकी संख्या लाखों में है, आप देख पा रहे होंगे कि वो सब भी बैठे नहीं रहेंगे। अर्थात अब इससे अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि एक बड़ी भर्ती सरकार करे और जो लोग रिप्लेस हो रहे हैं उनको भी मौका मिले। भाई जो रिप्लेस हो रहे हैं वो क्यों रिप्लेस हो रहे हैं, क्योंकि वह किसी दूसरे के सीट पे काबिज थे, ओबीसी के या एससी के वह सीट पे काबिज थे। अर्थात ओबीसी एससी का नंबर अच्छा था, लेकिन उनको वहां मौका नहीं दिया गया। अर्थात जो ओबीसी एससी के जो लोग हैं, जो नंबर यूआर के इक्विवेलेंट या उससे अधिक पाते हैं, तो उनको यूआर कैटेगरी में भेजा जाता है, अनरिजर्व कैटेगरी में भेजा जाता है, वह नहीं हो पाया था। तो ये सब चीजें जब होंगी, अब उनको भाई एक भर्ती लेकर आए, और भर्ती इसलिए आनी जरूरी है कि आप यह बताइए जो शिक्षा मित्र है उनको 25 अंक का वेटेज वाला मैटर था, अब उनको भी जब भर्ती आएगी तभी मौका मिलेगा, नहीं तो शिक्षा मित्र जीवन भर रह जाएंगे। तो अगर भर्ती आती है तो यह भर्ती नए लोगों के लिए भी फायदेमंद रहेगी, और जो लोग रिप्लेस हो रहे हैं जनरल के, उन लोगों को भी मौका मिलेगा, शिक्षा मित्र को भी मौका मिलेगा कि एक खुली प्रतियोगिता में लोग बैठे और सहायक शिक्षक सहायक अध्यापक बने। तो ऐसा होता तो सबसे अच्छा होगा, और ऐसा होगा भी जहां तक आशा लग रहा है। लेकिन सबसे पहली सबसे बड़ी जो बात यह निकल करके आई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि जो उन्होंने यह हाईकोर्ट का जो आदेश है इसको पालन करने का जो इन्होंने निर्णय लिया है, यह बहुत ही काबिले तारीफ है। और अब
जितने भी आरक्षित वर्ग हैं उनको उनका अधिकार मिलेगा। और ये बहुत ही अच्छी खबर सामने निकल करके आई है। तो ही ज्यादा वीडियो समाप्त कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे यूजफुल वीडियो अगर मैं आप लोगों को देता रहूं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।